हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सत्यम। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, अभी तक 6 या 7 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। आज ना हो सकता है हम कंप्लीट कर लें। तो आपने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप शुरू से देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ऑपरेटिव सेंटेंसेस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे मैंने लिखा नंबर 1, एवरीवन शेड टू हिम हैप्पी बर्थडे। अब इसको कैसे चेंज करना है, देखो ये ना ग्रीटिंग्स विशेज ये सब होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है कि हमने किसी को, एवरीवन ने जो है उन्होंने किसी को विश किया है। क्या विश किया है? हैप्पी बर्थडे। तो हम जो विश वर्ब है ना सेट टू को उसी में चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज करेंगे एवरीवन विश्ड हिम हैप्पी बर्थडे। बस हो गया चेंज हमारा। ये बहुत आसान होते हैं। तो ये जो विश वर्ब है ना, ये हमें कैसे पता चली? ये हमें पता चलती है सेंटेंस को पढ़ के, उसमें क्या लिखा है, कौन से वर्ड यूज हैं, उन्हीं को देख के हमें ये पता चल पाता है कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। द ओल्ड लेडी शेड मे यू लिव लॉन्ग माय सन। द ओल्ड लेडी सैड मे यू लिव लॉन्ग माय सन। देखो मे जो है हमने मोडाल में भी पढ़ा होगा, ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, जो काम पॉसिबल है उसके लिए। बट यहाँ पे जो है ना ये भी एक जो विश है ना उसके लिए यूज हुआ है। जो ओल्ड लेडी है उसने प्रेयर की है भगवान से कि मेरा बच्चा तुम लंबा जियो, तो इसका मतलब ये उसकी प्रेयर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेयर वर्ब का यूज ही करके और सेट को चेंज कर लेंगे। द ओल्ड लेडी प्रेयर। अब यहाँ पे प्रेयर तो गॉड से ही होगी, तो टू गॉड लिखो या ना लिखो दोनों ही केस में ये सही है। लिखा होगा तब भी सही है, ना लिखा हो तब भी सही है। द ओल्ड लेडी प्रेड टू गॉड। अब ये जो माई सन है ना वोकेटिव केस का, इसी को हम इसका सब्जेक्ट बना लेंगे, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। दैट माई सन चेंज हो जाएगा हर सन लिव लॉन्ग, और ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे ही होते हैं, या तो विश या प्रेयर या ग्रीटिंग ये वगैरह वगैरह। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। देखो गुड मॉर्निंग जो है ना इसको हम ग्रीटिंग में भी ले सकते हैं, इसको हम विश में भी ले सकते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग तो हम बोल सकते हैं उसको हमने गुड मॉर्निंग विश किया, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर देंगे। द स्टूडेंट्स विस्ट द टीचर बाई सेइंग लिख सकते हो आप,
बाय सेइंग, या ना लिखो तब भी सही है, गुड मॉर्निंग। और ये हमारा सही हो गया, ठीक है। ये बाय सेइंग लिखाओ तब भी ठीक है, नहीं लिखाओ तब भी ठीक है। बाय सेइंग हम इसलिए लिख देते हैं कि क्योंकि जो विश करने या ग्रीट करने के तरीके ना बहुत सारे हो सकते हैं। बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, बाय सेइंग गुड आफ्टरनून, बाय सेइंग गुड इवनिंग, तो ये जो अलग अलग होते हैं ना, इसी के लिए हम बाय सेइंग का यूज़ कर लेते हैं। अगर ना लिखें तब भी ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। मिस्टर कमल सेड टू हर गेस्ट, यू आर वेलकम। मिस्टर कमल सेड टू हर गेस्ट, यू आर वेलकम। अब ये जो वेलकम है ना, वर्ब भी होती है, वेलकम नाउन भी होता है। तो हम जब ये लिखाओ ना, तो इसी को सेट टू को चेंज करने के लिए यूज कर लेते हैं। कैसे? मिस्टर कमल वेलकम्ड हर, नहीं लिखना यहाँ पे, कमल के अकॉर्डिंग हिज गेस्ट लिखना है। मिस्टर कमल वेलकम्ड हिज गेस्ट्स, और ये सही हो, चेंज हो गया, ठीक है। बाय सेइंग यू आर वेलकम की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये हमने वेलकम को ही यहाँ पे यूज कर लिया है, तो ये इतना ही काफी है, सफिशियंट है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मोहन शेड गुड मॉर्निंग अंकल, देखो ये एकदम वैसा ही है जो हमने टीचर वाला अभी देखा था, ये वाला थर्ड और फिफ्थ सेम ही है। तो इसको हम या तो ग्रीटिंग से यूज कर, ग्रीटिंग का यूज करके चेंज कर सकते हैं, या फिर विश से भी चेंज कर सकते हैं। तो हम ग्रीटिंग से कर लेते हैं, मोहन ग्रीटेड। ये जो अंकल वोकेटिव केस का है, इसी को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, हिज अंकल। बाय सेइंग लिखो या ना लिखो, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। मोहन ग्रीटेड हिज अंकल बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, या विश्ड भी लिख सकते हो, कहीं आपको विश्ड मिलेगा, कहीं आपको ग्रेट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑप्टेटिव केस के जो सेंटेंसेस थे, ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस थे, उनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा। ये बस ऐसे ही होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इनको दो चार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ये इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, मेहनत दिखती है, तो अपना शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें, ताकि अगला वीडियो बनाने की मन में इच्छा पैदा हो, ठीक है। अप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है। मिसलेनियस, स्पेलिंग तो सही है ना, एनीओएस, ठीक है। मिसलेनियस सेंटेंसेस कुछ देखो, हमने अभी तो जो जो सेंटेंस चेंज किए ना, उनमें जो रिपोर्टेड स्पीच था, उसके जो सेंटेंस थे वो सिंपल सेंटेंस थे, मतलब एक ही क्लोज थी उसमें। जैसे अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें दो क्लोज हों, तब हम कैसे चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he
said to her, I had woken up before the sun rose. He said to her, I had woken up before the सन रोज। अब देखो यहाँ पे ना ये सेंटेंस हमारा बिफोर कंजंक्शन से शुरू हुआ जुड़ा हुआ है, तो ये है एक हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अभी तक जो हमने पढ़े थे ना वो सिंपल सेंटेंसेस थे, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स कैसे है, ये हमने सेंटेंस जब फंडामेंटल पढ़े थे उनमें पढ़े थे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप वहाँ से शुरू से देखिए तो समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि जो नरेशन है और वॉइस है ये बेसिकली कॉमन एरर के ही क्वेश्चन होते हैं, इनका इनके कोई अलग से कॉन्सेप्ट होते नहीं है। जो हमने टेंस में पढ़ लिया, जो हमने वर्ब में पढ़ लिया, जो हमने नाउन में पढ़ लिया, जो हमने प्रोनाउन में पढ़ लिया, उन्हीं पे बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। वो अगर अच्छे से समझ में आ गए तो ये अच्छे से समझ में अपने आप आ जाएगा। इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड हर That, अब देखो ये है पास्ट परफेक्ट तो इसको तो चेंज करेंगे नहीं, आई फर्स्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, दैट ही हैड वॉकन अप बिफोर। अब ये द सन रोज है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। क्या हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें, बिफोर द सन हैड राइजन, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि दो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो है वो एक साथ नहीं आ सकते, एक ही सेंटेंस में दो पास्ट परफेक्ट नहीं लिख सकते। ये दोनों एक्शन ना साइमल्टेनियसली हैपन हुए एक्शन है, एक पहले हुआ है एक बाद में, जो जो पहले हुआ है उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। तो इसको ऐसे ही रहने दो, बिफोर द सन रोज, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला एग्जांपल, दे सेड ए कार हिट हिम व्हेन ही स्टेप्ड ऑन द रोड। अब देखो ये फिर से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, WH फैमिली के जो भी कंजंक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो दे सेड का सेड रह जाएगा, दे सेड दैट ए कार। अब देखो यहाँ पे हिट सेकंड फॉर्म लिखी हुई है और ये भी सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो अगर एक पास्ट परफेक्ट था एक पास्ट इंडेफिनेट था तो पास्ट परफेक्ट ही रह गया और इंडेफिनेट इंडेफिनेट रह गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो चेंज होता ही नहीं है तो वो लिखना ही पड़ा। इंडेफिनेट चेंज होता है बट उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दो पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं आ सकते। अब यहाँ पे ना दोनों के दोनों हैं वो पास्ट इंडेफिनेट हैं, तो अगर हमें पता चल जाए कि कौन से एक्शन टाइम में पहले हैपन हुआ है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनेट और जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में। अब उसने स्टेप रोड पे पहले रखा होगा या फिर कार ने हिट पहले ही कर दिया होगा, ऑफ कोर्स पहले उसने पैर रखा होगा उसके बाद रोड पे ही कार ने हिट किया होगा, तो एक कार हिट हिम ये तो बाद का एक्शन है, ये इंडेफिनेट में ही रह जाएगा, व्हेन ही हैड स्टेप्ड हो जाएगा ऑन द रोड और ये हमारा चेंज हो गया।
ध्यान रखना, अगर हमें पता चल जाए ना कि कौन सा एक्शन पहले का कौन सा बाद का, तो जो पहले का उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही सेड टू मी व्हेन ही ड्रॉप द मेटल इट प्रोड्यूस्ड ए स्ट्रेंज साउंड। ही सेड टू मी व्हेन ही ड्रॉप द मेटल इट प्रोड्यूस्ड ए स्ट्रेंज साउंड। अब देखो, अगर आपने जो हमने टेंस पढ़ा था, हमने टेंस अभी तक कंप्लीट पढ़ लिया, टेंस हमने पढ़ लिया, मूड हमने पढ़ लिया, कंडीशनल हमने पढ़ लिया, वर्ब भी काफ़ी सारा पढ़ लिया है, तो अगर आपने टेंस जो मैंने बताया वो कंप्लीट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि कब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट में दो एक्शन होते हैं उनको, और कब नहीं करते हैं। जब कभी भी दो एक्शन पास्ट के हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो जो पहले वाला है पास्ट परफेक्ट, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट। बट जब कभी भी दो पास्ट के एक्शन अलग अलग टाइम पे पास्ट में हुए हैं और दोनों डिपेंडेंट हैं, एक एक्शन हैपन हुआ उसी की का रिजल्ट दूसरा है, या फिर अगर ये नहीं हुआ होता तो ये भी नहीं हुआ होता, तो हम कभी भी उनको पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करते, क्योंकि वो रिलेटेड एक्शन है। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट एक्शन है। तो ये केस वैसा ही है, ही सैड को बदल देंगे ही टोल्ड मी दैट। अब देखो, ये मेटल का गिरना और उसके बाद उसका साउंड प्रोड्यूस करना, अगर वो नहीं गिरता तो क्या साउंड प्रोड्यूस करता? बिल्कुल नहीं करता। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों डिपेंडेंट एक्शन है, पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ, ये जो है इस एक्शन का रिजल्ट है। ठीक है, तो इनको हम ऐसे केसेस में कभी भी पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करते हैं। तो जैसा लिखा है वैसा ही लिखे रहने दो, व्हेन ही एग्जैक्टली सेम। ठीक है, रीजन समझ में आ गया होगा। दो एक्शन पास्ट के अगर इंटरडिपेंडेंट हैं तो उनको हम एक को पास्ट परफेक्ट एक और पास्ट इंडेफिनेट में नहीं लिखते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेंस का वीडियो है वो देखिए। अगला एग्जाम्पल, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू व्हेन यू वर reading, I said to you when you were reading, I was watching TV. I said to you when you were reading, I was watching TV. अब देखो, ये दो एक्शन past continuous है दोनों के दोनों। अगर हमें इन दोनों में ये पता चल जाए, चल पाए कि कौन सा पहले हुआ है और कौन सा उसके बाद हुआ है, तब तो हम इनको चेंज कर पाए। इसको कैसे लिखेंगे? आई सेड को बदल देंगे टोल्ड, आई टोल्ड यू दैट। क्या हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कौन सा एक्शन पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों साइमल्टेनियस एक्शन है, दोनों साथ साथ हैपन हो रहे हैं, तो फिर हम इनको फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे। क्यों? दोनों लिखे हुए हैं पास्ट से कंटिन्यूअस में, अगर चेंज करेंगे तो दोनों हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसे दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे दो पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं आ सकते, वैसे दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं एक साथ आ सकते, क्योंकि दोनों ही पास्ट ऑफ पास्ट होते हैं। तो दोनों पास्ट परफेक्ट में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर नहीं सकते। हमें ये पता नहीं है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, अगर ये पता होता कि पहले कौन सा हुआ तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल लेते, दूसरे को ऐसे रहने देते।
बट ये भी नहीं पता है तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। दैट व्हेन यू वर रीडिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। फिर से बता देता हूँ, ये चेंज इसलिए नहीं हुई कि चेंज होते तो दोनों के दोनों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होते, दो पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं आ सकते, वैसे दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक साथ नहीं आ सकते और हमें पता चल नहीं पा रहा है कि कौन सा पहले का है कौन सा बाद का है। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई सेड टू हिम a dog attacked you when you were playing in the park. I said to him, a dog attacked you when you were playing in the park. इसके लिए मैं थोड़ा ऊपर से मिटा लेता हूँ, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी नीचे आ ही जाएगा, लिख देता हूँ। देखो I said to him, told में बदल जाएगा, I told him that। अब देखो a dog attacked you, past indefinite, you were playing, past perfect, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो पास्ट इंडेफिनेट जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे दो पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं आ सकते, जैसे दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ नहीं आ सकते, वैसे ही पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी एक साथ नहीं आ सकते। दो पास्ट परफेक्ट, दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल नहीं होता। तो हम इसमें से एक को ही चेंज कर पाएंगे, और कौन से को चेंज कर पाएंगे, अगर हमें ये पता चल गया कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, तो उसको काटा गया पहले या वो खेल रहा था पहले से, ऑफ कोर्स वो खेल रहा होगा उसी टाइम उसको काटा गया होगा, तो ये एक्शन पहले का है ये एक्शन बाद का है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। दैट ए डॉग अटैक्ड यू When you were playing को किस में बदल देंगे, had been playing in the park, और ये हमारा चेंज हो गया। I told him that a dog attacked you when you had been playing in the park। हम इसी को चेंज कर पाएंगे क्योंकि ये पहले का एक्शन है, अगर इसको भी चेंज करते तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाता, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक साथ नहीं लिखने। तो ये कुछ हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो भी जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये नरेशन कम्प्लीट होता है। तो अभी तक हमने टेंस, मूड, कंडीशनल, नरेशन एंड ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा ज़्यादा वर्ब भी कम्प्लीट कर लिया, इतने चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। आप इनको देखिए, समझिए, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए, और धीरे धीरे हम पूरा कम्प्लीट इंग्लिश का सिलेबस है पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। और वो भी आप जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, टेंस हमने पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उम्मीद है आपको समझ आ ही रहे होंगे। तो आप ना थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, आप अपनी तरफ से लगाइए अपना, आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो वो कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।